सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो किसी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं रेंज, रेंज में हम यहाँ करते हैं A1 से आपका F14 डॉट सेलेक्ट, तो ये आपका सिलेक्शन होता है। या VVA का मेथड देखें तो VVA का मेथड कहता है A1, F14 मतलब स्टार्ट टू एंड। यहाँ पे दीजिए कि स्टार्ट कहाँ पर है और एंड कहाँ पे है, स्टार्ट टू एंड। तो ये आपका एक्सेल मेथड है जो कि एक्सेल फॉर्मूलेज में यूज करते हैं, सेम मेथड हो गया। ये आपका VVA मेथड हो गया। VVA मेथड में आप जो है ऑटोमेशन वगैरह कर सकते हैं, डायनेमिक सिलेक्शन वगैरह आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो यहां इस तरह से सिलेक्शन हम करते हैं। अब बात आती है कि डायनेमिक सिलेक्शन कैसे करें। तो VVA प्रोग्रामिंग में आपको कंट्रोल एक से हम डेटा सिलेक्ट करते हैं, उसका कोड होता है यहाँ पे कि रेंज, रेंज में हमने यहाँ पे डाला A1 और डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट। अब करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट से सिलेक्शन हो जाएगा, डॉट कॉपी कीजिए, डॉट पेस्ट कीजिए, जो भी करना चाहते कर सकते हैं। तो करेंट रीजन कंट्रोल ए के व्याप पे काम करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा डेटा में किसी तरह का ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए। डेटा में किसी तरह का क्या होना चाहिए? ब्लैंक रो नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक रो है तो फिर आपका वर्क सही से नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कर्सर मूव करने की बात करूं कि यहां से नीचे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, तो कैसे करेंगे? तो कर्सर मूव करने के लिए लिखेंगे रेंज, रेंज में डालेंगे हम A1 डॉट एंड। तो जब कर्सर मूवमेंट होता है, इसे हम कंट्रोल के साथ जो डाउन करते हैं ना, अप करते हैं, लेफ्ट एरो करते हैं, उसका यूज हम इस तरह से करते हैं कि रेंज A1 डॉट एंड, और यहां हम डालते हैं कि एक्सेल डाउन लेफ्ट अप। तो अगर मैं डाउन कर दिया और डॉट सिलेक्ट किया तो क्या होगा कि वो स्टार्टिंग में कर्सर को रखेगा A1 में और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर देगा, कर्सर नीचे आ जाएगा। अब मैं इसी में लेफ्ट कर दू, राइट कर दू, अप कर दू, तो उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर जाएगा और रुकेगा। एक्सेल हमने कर दिया यहाँ पे लेफ्ट, टू लेफ्ट, एक्सेल टू लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट में टू राइट चला जाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम कर्सर मूव के लिए करते हैं। सपोज डेट मैंने कोड लिखा, ए वाली कोड लिखा कि A1 से कर्सर को सबसे डाउन कर दे। बट होता क्या है, जब मैं कर्सर यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो कर्सर नीचे आ जाता है। मतलब कि हमने A1 पे कर्सर रखा, कंट्रोल के साथ हमने डाउन एरो प्रेस किया, तो डेटा सब आपका कर्सर सबसे लास्ट में डेटा में चला जाता है। लेकिन अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो कर्सर इसी के ऊपर आके रुक जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसी के ऊपर आके रुक जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 ऑफसेट डॉट डॉट ऑफसेट तो बाद में लगाएंगे हम, डॉट सिलेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या करेगा कि चले जाएगा कर्सर को 65,000 पे भेजेगा और यहां से अप एरो प्रेस करेगा तो लास्ट में आएगा। मतलब कि इसके बीच में अगर किसी तरह का ब्लैंक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं कि ऑफसेट का क्या रोल है। अब बात करते हैं कि ऑफसेट का क्या रोल है। जैसे हमने यहां पे लिखा कि A65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट, होगा कि ए आपका A65,000 सेल में जाएगा और यहां से कंट्रोल और एंड प्रेस करके ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंट्रोल और एंड प्रेस करके ऊपर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि एक सेल नीचे लेके आना है ताकि डेटा हम टाइप कर सके।
उसके लिए यहां हम देते हैं ऑफसेट, यहां पे देंगे 1.0.select। तो 1.0 डालने पे क्या होगा कि लास्ट जाके एक कर्सर नीचे आ जाएगा रो। अगर हम कॉलम कर दें तो फिर क्या करेगा कि एक रो नीचे और एक कॉलम आगे जाएगा। दो कर दे तो दो कॉलम, तीन कर दे तीन कॉलम आगे जाएगा। और माइनस भी कीजिएगा तो पीछे आए से हमने यहाँ पे मान लीजिए कि -5 करते हैं, तो ये क्या करेगा कि नीचे यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ऑफसेट वर्क करता है। अब डेटा की डायनेमिक सिलेक्शन की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ जो करेंट रीजन लगाया, करेंट रीजन वर्क जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि स्टार डेटा है तो उस पर भी वर्क करता है। तो मैं एंड मेथड से कैसे सेलेक्ट करूंगा, देखिए हम यहाँ लिखेंगे रेंज A1। हमने बताया था कि हर एड्रेस का यहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन होता है। स्टार्टिंग पोजीशन हमने A1 डाल दिया और एंडिंग पोजीशंस के लिए हम डालेंगे रेंज A1.and2left.select। तो इसलिए दो कोड को सम्मिलित किया, क्योंकि टू यहाँ पे इसको देखें कि एक्सेप्ट टू एंड से क्या होगा, एंड में लेफ्ट साइड के एंड में चला जाएगा, मैंने A1 से लेके आपका लास्ट ऑफ डेटा चला जाएगा। और फिर यहाँ हम लिखेंगे रेंज एक्टिव, यहाँ एक्टिव स्टाइल नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन डॉट एंड एक्सल डाउन डॉट सेलेक्ट, एक्सल डाउन में आके सिलेक्ट हो जाएगा। ये डायनेमिक सिलेक्शन आपका होता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या करें, एक काम यहां हम कर सकते हैं, हम यहां लिखते हैं आर इक्वल टू रेंज, मैंने यहां पे दिया A65000 डॉट एंड एक्सलेस हाफ डॉट रो। फिर हमने यहां पे किया सी इक्वल टू रेंज एफ डी, एक्स एफ डी वन सबसे लास्ट रो होता है, सबसे लास्ट कॉलम डॉट एंड, और यहां पे हम कर देंगे टू राइट डॉट कॉलम। फिर यहां हम लिखेंगे रेंज, हमें स्टार्टिंग पोजीशन पता है कि A1 है और एंडिंग पोजीशन में डालेंगे सेज आर कॉमा सी डॉट सेलेक्ट। समझ में आया सर आपको? हेलो, बोलिए सर, रिपीट कर दीजिए सर एक बार ये। कौन सा रिपीट करना है बताइए। हेलो, सर मैं ये बोल रहा था कि रिपीट कर दीजिए एक बार, ये समझ में आया नहीं। हाँ देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले यहां ये गया A65000 रो पे, फिर यहां से कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करके ऊपर आया सर, और इसकी रो नंबर 14 को इसने आर पे स्टोर कर दिया। फिर इसने सबसे लास्ट में गया XFD1, और यहां से फिर वो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो इस्तेमाल किया और चलाया एफ कॉलम पर, एफ कॉलम का नंबर वो सी पे स्टोर कर दिया। तो हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम रेंज A1 से भी डेटा को सिलेक्ट करते हैं, और फिर हमने बताया था सेल्स 1.1.select, 1.1 नंबर में अगर आता है तो नंबर में आप यूज करते हैं।
ठीक है। समझे सर? ठीक है सर, ठीक है, ठीक। तो सेम थिंग यहाँ पे हमने हमने बोला रो एंड कॉलम को यहाँ पे अलग कर लिया, और हमने A1 स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, एंडिंग पॉइंट पे हमने सेल्स लगा दिए। तो सेल्स है R1 CO2 को रिफ्रेश करके ये आपको यहाँ दे देगा। समझ गए? अब समझ में आ गया? हाँ सर, ऑफसेट वाला ऑफसेट सर, वाला सर ये ये पहले पहले जो -5 है, फाइव ये है। रो है ना, रो जी, हम रो हम काउंट करेंगे ना काउंट करते इसे, हैं। पहला रो होता है ना, माइनस सबसे फाइव रो पहले है रो और है। जी, ये कॉलम है। ठीक है। हेलो हाँ सुन रहा हूँ सर। सर, ये तो ये माइनस माइनस फाइव वाला फाइव रो वाला है रो। ना। जी हाँ, पहला रो होता है फिर कॉलम होता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपको करा के देंगे। ठीक है पुनीत जी, प्रदीप जी, ठीक है सर, हेलो। ठीक।